नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खड़िया जनजाति के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम खड़िया जनजाति के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, उसकी सामाजिक संरचना, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके विवाह किस प्रकार से होते हैं तथा उसके धार्मिक जीवन कैसा है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल द की पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट जो है वो है क्या है, खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलोयड प्रजातीय समूह से है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। खड़िया जनजाति के लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलोयड प्रजातीय समूह से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका पारंपरिक पेशा पालकी या खड़खड़िया ढोना है, जिसके कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। दोस्तों, खड़िया जनजाति का जो पारंपरिक पेशा था, इसका जो पुश्तैनी पेशा था, वो क्या था, पालकी ढोना। और पालकी को क्या कहा जाता है, खड़खड़िया, और इसी शब्द के कारण इस जनजाति का नाम जो खड़खड़िया पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जनजाति का मुख्य जमाव रांची, सिंहभूम, गुमला और हजारीबाग क्षेत्रों में है। दोस्तों, झारखंड में जो मुख्य रूप से जो खड़िया जनजाति के लोग पाए जाते हैं वो रांची जिला, सिंहभूम पूर्वी पश्चिमी दोनों में, गुमला और हजारीबाग। लेकिन इसके अलावा और कुछ जिलों में कुछ कुछ मात्रा में खड़िया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और बंगाल में भी खड़िया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खड़िया जनजाति तीन वर्गों में विभाजित है। जो खड़िया जनजाति के लोग हैं उनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वे कौन कौन से हैं, एक है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया और तीसरा है दूध खड़िया। दोस्तों, पहाड़ी खड़िया जो है इसको सबसे निचले दर्जे का माना गया है, और जो सबसे उच्च वर्ग माना गया है वो क्या है, दूध खड़िया। तो इसके बाद हम देखते हैं बारी बारी से सभी वर्गों की क्या विशेषता है, उनके कौन कौन से गोत्र हैं। तो पहाड़ी खड़िया क्या है, सबसे पिछड़ा माना जाता है, और ढेलकी खड़िया जो है ये मध्यम वर्ग का माना जाता है खड़िया समाज में, और जो दूध खड़िया है उसको उच्च वर्ग का खड़िया माना जाता है। तो देखते हैं पहाड़ी खड़िया में कौन कौन से गोत्रों के लोग रहते हैं। तो पहाड़ी खड़िया में है गुलू, भुइया, जारू और हेमरम। उसी तरह ढेलकी खड़िया में कौन कौन से हैं, मुरू, समद, हांसदा और टोपनो। और दूध खड़िया जिसको उच्च वर्ग माना जाता है उसमें कौन कौन से हैं, डुंगडुंग, कुल्लू, बिलुंग और सोनेर कीरो। तो ये रहे तीनों वर्गों के गोत्र। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, खड़िया जनजाति का युवा गृह गीतियों कहा जाता है। जो झारखंड के हर जनजातीय समाज की क्या विशेषता है, उनका एक युवा गृह होता है, कुछ एक अपवाद को छोड़ के। तो खड़िया जनजाति का युवा गृह है वो क्या कहा जाता है, गीतियों। तो इसको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जरूर याद रखिए, खड़िया जनजाति का युवा गृह गीतियों है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाँव का मुखिया प्रधान कहलाता है। गांव का जो मुखिया होता है प्रधान कहलाता है। जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो खड़िया समाज का जो जातीय पंचायत है उसको धीरा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धीरा का प्रमुख बंदिया कहा जाता है। जातीय पंचायत होता है धीरा, और उसका एक प्रमुख होता है उसको बंदिया कहा जाता है। देखते हैं आगे अब क्या है, देखते अब खड़िया जाति जनजाति के अब विवाह के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, खड़िया जनजाति में जो सबसे प्रचलित विवाह है वो कौन सा है, ओलोल दाय। खड़िया समाज का जो सबसे प्रचलित विवाह है ओलोल दाय, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद और कुछ विवाह के प्रकार हैं तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उधरा उधरी, यह एक विवाह का प्रकार है, उधरा उधरी। तो इसमें क्या होता है, सह पलायन, लड़का लड़की दोनों की आपसी सहमति हो तो वे पलायन कर जाते हैं। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है, उधरा उधरी। दूसरा है दुकु चाकली, दुकु चाकली, यह है अनाहुत, मतलब ये कहीं से भी शादी किया जाता है, इसमें रस्म और रिवाज नहीं निभाया जाता है, तो इसको क्या कहा, दुक्कु चाकली। अगला है तापा, तापा विवाह क्या है, एक अपहरण करके विवाह किया जाता है। और अगला विवाह है राजी खुशी, राजी खुशी मतलब प्रेम विवाह इसको कहा जाता है।
दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वधुमूल्य। वधुमूल्य को क्या कहा जाता है, गिनी तंग। तो इसको याद रखिएगा, खड़िया जनजाति के लोग वधुमूल्य को गिनी तंग कहा जाता है। इसके बाद धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों जो खड़िया जनजाति के लोगों का जो प्रमुख देवता होता है वो कौन है, बेला भगवान या ठाकुर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेला भगवान या ठाकुर खड़िया जनजाति का सर्व प्रमुख देवता है। उसके बाद पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है, पारदुबो। पहाड़ देवता को पारदुबो कहा जाता है। उसके बाद है वन देवता को बोराम कहा जाता है, वन देवता को बोराम कहा जाता है। और सरना देवी को गुमी कहा जाता है। तो ये सब सारे देवताओं के नाम हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सरना देवी, गुमी, वन देवता बोराम, पहाड़ देवता पारदुबो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन होता है। जो खड़िया समाज में जो पूजा पाठ का आयोजन कराता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, दिहुरी। उसके बाद नेक्स्ट है दूध और ढेलकी, खड़िया का धार्मिक प्रधान पाहन होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जो पहाड़ी खड़िया है उसका धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है, और जो दूध और ढेलकी खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा सा अंतर है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था खड़िया जनजाति के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।